20वीं सदी की शुरुआत भारत में एक क्रांति की नई लहर लेकर के आई। लॉर्ड कर्जन भारत के गवर्नर जनरल थे। 1899 से 1905 के दौरान इनके द्वारा किए गए बहुत सारे कार्यों का एक मिला जुला सा प्रभाव पड़ रहा था। इसी बीच इन्होंने बंगाल का विभाजन कर दिया। 1905 में 16 अक्टूबर को की गई ये घटना स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन का कारण बनी। इन्हें अपना बोरिया बिस्तरा लेकर के इंग्लैंड जाना पड़ा और अपनी लेगेसी, अपनी विरासत, स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन के रूप में ये लॉर्ड मिंटो सेकंड को थमा करके चले गए, जिनका कार्यकाल 1905 से 1910 तक था। स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन का केंद्र बंगाल था और इनकी मुख्य मांग थी कि बंगाल विभाजन को वापस लिया जाए, एंटी पार्टीशन। इस आंदोलन में हिंदू, मुसलमान और सभी समुदाय के लोग इससे जुड़े हुए थे। इसी दौरान क्रांतिकारी घटनाएं भी बहुत तीव्रता से चालू हो गई थी। ये वो काल था जिस वक्त उदय हुआ लाल बाल पाल का और एक एक्सट्रीमिस्ट क्रांतिकारी घटनाओं का। 1905 में सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना हुई थी गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा। 1906 का वर्ष, ये वर्ष वह था जिस वक्त की मुस्लिम लीग का गठन किया गया। मुस्लिम लीग का गठन आगा खान, जो कि ढाका के नवाब थे, उन्होंने 1906 में 31 दिसंबर को किया। मुस्लिम लीग मुस्लिमों के विकास की ओर ध्यान देने के लिए ऐसा सोच रही थी और इसी उद्देश्य के द्वारा इनका गठन किया गया था। मुस्लिम लीग के गठन के अलावा 1907 में मिंटो के काल की महत्वपूर्ण घटना थी, मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट दोनों अलग हो गए, जहां एक ओर मौलाना अबुल कलाम आज़ाद या फिर गोपाल कृष्ण गोखले और भूमेश चंद्र जैसे मॉडरेट्स थे, वहीं दूसरी तरफ लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल जैसे बड़े नेताओं का उदय हुआ एक्सट्रीमिस्ट खेमे में। और 1907 में एक छोटे से मुद्दे पे कि कांग्रेस की अध्यक्षता कौन करेगा, इसको लेकर के इनके बीच में विभाजन हो गया और सूरत स्प्लिट कहते हैं इसे। ये मिंटो सेकंड के ही काल में हुआ। 1908 का काल कांग्रेस स्प्लिट की खबरों से भरा पड़ा था और भारतीय क्रांति अपने राह खोजने में लगी हुई थी। जहां एक तरफ मॉडरेट अपने तरीके से चलने की कोशिश कर रहे थे, वहीं दूसरी तरफ एक्सट्रीमिस्ट यानी गरम दल एक दूसरी राह पे एस्टैब्लिश होने में लगे थे। अब इनके पास एक इंटरनल चैलेंज था, जो कि एक बड़ा चैलेंज बन गया था अंग्रेजों के लिए, क्योंकि गरम दल और नरम दल एक दूसरे से बेहतर दिखाना चाहते थे और दोनों ही अंग्रेजों को इसी रूप में प्रेशराइज करने लगे, जिसका सारा प्रेशर अंग्रेजों के ऊपर आ गया 1909 में। इसी बीच में मॉर्ले मिंटो एक्ट पास किया गया, मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म। मिंटो सेकंड जो भारत के गवर्नर जनरल थे और मॉर्ले जो कि भारत के भारत सचिव थे, इन दोनों ने मिलकर के एक सुधार कार्यक्रम तैयार किया, जिसे मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स कहते हैं। यही वो सुधार अधिनियम था जिसने कि फूट डालो शासन करो की नीति की शुरुआत की, विद इट्स वेरी इंपॉर्टेंट पृथक निर्वाचन यानी सेपरेट इलेक्टोरेट। इन्होंने निर्धारित किया कि विभिन्न धर्मों के लोग अपने धर्म के आधार पर ही वोटिंग करेंगे और कहीं ना कहीं इन्होंने लोगों को, हिंदू और मुसलमानों को खास करके, बांट देने की कोशिश की। इन्होंने इस बात को देखा कि अगर हम इन्हें बांट देते हैं तो हमें पूरी शक्ति का एक साथ सामना नहीं करना पड़ेगा। साथ ही 1909 का मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म इस बात के लिए भी याद रखा जा सकता है कि इस वक्त पहली बार केंद्रीय विधायिका, जो केंद्रीय विधान परिषद थी, जो कि जिसमें कि भारतीयों का चुनाव करने की बात की गई। तो अगर आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि आज की जो संसदीय व्यवस्था है भारत की, उसका मुख्य जेनेसिस कब है, तो वो मुख्य जेनेसिस 1909 के मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स में मिलता है। इसके बाद 1909 और 1910 का काल भारत में क्रांतिकारी परिवर्तनों का काल रहा, जिस वक्त की जैक्सन हत्याकांड, नासिक कॉन्स्पिरेसी वगैरह की गई, और 1910 तक मिंटो सेकेंड भारत के गवर्नर रहे। तो ये था आज के लिए, धन्यवाद।